फ्रेंड्स मेरे YouTube चैनल लेक्चर नॉलेज इन हिंदी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स मैं आज अपनी बहुत अच्छा वीडियो लेकर आया। ये वीडियो जो है WhatsApp से रिलेटेड है। WhatsApp मान के चलिए आज के टाइम में 60-70% जिनके पास मोबाइल है लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, और WhatsApp में कई फीचर्स वगैरह हैं उनको भी यूज कर रहे हैं। बट एक प्रॉब्लम WhatsApp चलाने वालों को कभी ना कभी हो जाती है कि आप मैसेज किसी और को करना चाहते हैं, मैसेज किसी और को कर देते हैं, ठीक है, लिखना कुछ चाहते हैं लिख कुछ देते हैं, किसी और ग्रुप में करना चाहते हैं किसी और ग्रुप में भेज देते हैं, भेजना चाहते हैं किसी लड़के को भेज देते हैं किसी लड़की को। तो फ्रेंड व्हाट्सएप का जो अपना अपडेट फीचर तो है कि एक घंटे तक आप इस मैसेज को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, इमेज या वीडियो को डिलीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये व्हाट्सएप का न्यू अपडेट है। बट मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा कि आप आफ्टर वन आवर भी किस तरीके से इस मैसेज इमेज और वीडियो को डिलीट कर सकते हैं विदाउट टेंशन व्हाट्सएप को बाईपास करके, ठीक है फ्रेंड। तो मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि आफ्टर वन आवर कैसे आप किसी मैसेज इमेज या वीडियो को डिलीट कर सकते हैं। वैसे व्हाट्सएप का जो न्यू फीचर यही है कि वन आवर 8 मिनट और 60 सेकेंड तक आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये तो WhatsApp ने अपडेट किया है, बहुत अच्छा अपडेट किया है। इससे पहले तो विदिन 7 मिनट ही आपको डिलीट करना पड़ता था, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि अगर एक घंटे से ज्यादा हो गए तो आप कैसे उसे डिलीट कर सकते हैं WhatsApp को बाईपास करके। तो फ्रेंड चलिए मोबाइल स्क्रीन पे। तो फ्रेंड अभी मोबाइल स्क्रीन पे है तो WhatsApp के जो मैसेज है उसे आफ्टर 1 आवर 8 मिनट एंड 16 सेकंड के बाद आप कैसे डिलीट कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको एक पहले मैसेज डिलीट करके आपको दिखाऊं कि किस तरीके से मैसेज डिलीट करते हैं। जैसे मैंने इसे हेलो लिखा, ओके फ्रेंड हेलो लिखा, तो इसमें देखिए इस तरीके से अगर आपको डिलीट करना है तो सीधे सीधे हेलो को सेलेक्ट करके, सेलेक्ट करने के बाद ऊपर आप ये जो डिलीट का बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ऑप्शन आता है डिलीट फॉर मी कैंसिल एंड डिलीट फॉर एवरीवन। तो डिलीट फॉर एवरीवन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए जो मैसेज नीचे मैंने भेजा था वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। विद इन 1 आवर 8 मिनट एंड 16 सेकंड तक आप इसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। चाहे वो आपने किसी ग्रुप में किया हो चाहे वो पर्सनली किया हो तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है। बट मैं आपको बताऊँ कि अगर एक घंटे से ज़्यादा आपके हो गए हैं तो आप उसे कैसे डिलीट करना है, तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर आती है, ठीक है। तो फ्रेंड इसके लिए मैं आपको बताऊं कि वो जो मैसेज है वो यहाँ से डिलीट नहीं होगा। जैसे कि मेरे कुछ मैसेज हैं, देखिए ये एक घंटे से ज़्यादा हो गए, 7:28 और 8:43 ऊपर हो रहा है, ठीक है, यानी कि इसे 1 घंटे 8 मिनट 16 सेकंड से ज़्यादा हो गया। तो देखिए इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ और ऊपर जैसे ही डिलीट बॉक्स पर जाऊँगा तो देखिए यहाँ पर वो तीनों वो लास्ट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है जो डिलीट फॉर एवरीवन का था, ठीक है, कैंसिल डिलीट फॉर मी। तो इसे क्या हुआ है कि 1 घंटे 8 मिनट 16 सेकंड से ज़्यादा हो गया, तो ये जो है आप डिलीट नहीं कर सकते। व्हाट्सएप का जो अपना रूल है उसके हिसाब से अब आप इसे डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। बट ये जो मैसेज है मैं आपको ये डिलीट करके दिखाऊंगा, ठीक है फ्रेंड। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको बैक जाकर के अपने जो नेट है उसे क्लोज कर देना है, ठीक है। जो भी आपका डाटा जहाँ से नेट वगैरह चल रहा है आप उसे क्लोज कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड, क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद तो फ्रेंड आपके फ़ोन में एक सेटिंग होती है, ठीक है, सेटिंग ये ऐप होता है इस टाइप से बना हुआ, सेटिंग पे आप जैसे ही जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। सेटिंग पे जाने के बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें किसी के फ़ोन में होता है एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन नाम का यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ आईकॉन, ठीक है। ये फिर आपको उस एप्लीकेशन के अंदर एप्लीकेशन मैनेजर में जाना पड़ेगा, ठीक है, एप्लीकेशन में जाने के बाद एप्लीकेशन मैनेजर में जाना पड़ेगा। बट बहुत से फ़ोनों में जैसे कि मेरे फ़ोन में ये है मैनेज ऐप, ठीक है, तो अभी जो लेटेस्ट फ़ोन वगैरह है उनमें इस प्रकार से आता है, ठीक है, मैनेज ऐप। तो मैनेज ऐप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें आपको व्हाट्सअप अपना सेलेक्ट करना है। तो फ्रेंड देखिए ये रहा मेरा व्हाट्सअप, ठीक है, तो इस व्हाट्सअप पे आपको क्लिक करना है। तो और दूसरे फ़ोनों में जो मैंने बताया सेटिंग के अंदर एप्लीकेशन के अंदर एप्लीकेशन मैनेजर, और उस एप्लीकेशन मैनेजर में आपको इसी प्रकार का व्हाट्सअप मिल जाएगा, ठीक है, जैसा ये व्हाट्सअप का ये बना हुआ आइकॉन, ठीक है, उसी प्रकार से व्हाट्सअप मिल जाएगा। और व्हाट्सअप पर आप क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आप नीचे देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहे हैं इंस्टॉल करने से क्या है ये व्हाट्सअप आपका पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो करना नहीं है क्लियर डाटा, कुछ हमें डाटा वगैरह कुछ क्लियर नहीं करना, तो हमें फोर्स स्टॉप करना है, फोर्स स्टॉप पर क्लिक कर दीजिए। फोर्स स्टॉप पर क्लिक करने के बाद ये सीधे ओके पहुँच रहा है तो ओके कर दीजिए।
ठीक है फ्रेंड, ओके करने के बाद आपको वापस जाना है। तो फ्रेंड देखिए, बैक जाने के बाद एक बार और फिर से आपको सेटिंग पे जाना है दोबारा से। ठीक है फ्रेंड, सेटिंग में आप नीचे आइए। तो जैसे आप नीचे आएंगे तो इसमें देखिए एक एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन आता है। ठीक है, एडिशनल सेटिंग पे आपको जाना है। तो इसमें देखिए सबसे ऊपर होता है डेट एंड टाइम का। तो हो सकता है एडिशनल सेटिंग किसी किसी में ना हो, डायरेक्ट डेट एंड टाइम दिखाओ। आपको डेट एंड टाइम पे ही जाना है बस कुल मिला के। ओके फ्रेंड, डेट एंड टाइम पे जाने के बाद आपको डेट एंड टाइम को क्लिक करना है। और डेट एंड टाइम को क्लिक करने के बाद मैं आपको बता दूं, जो ऊपर की जो है ना, ये इसे ऑफ कर देना है। ठीक है फ्रेंड, ऑफ करने के बाद आप नीचे देखिए, यहाँ पे सेट डेट देख रहा है। ठीक है, तो हमारा तो आज का डेट का ही मैसेज है, तो हम यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे 10 अगस्त का। मान लीजिए मेरा 9 अगस्त का मैसेज होता तो मैं यहाँ पे इसे चेंज कर देता, 9 पे कर देता। ठीक है, 8 पे कर देता, 7 पे कर देता। मतलब हमें डेट चेंज करनी है कुल मिला के। तो मुझे आज ही का मैसेज चेंज करना है, बट ये है कि 1 घंटे 8 मिनट 16 सेकंड से ज़्यादा हो गए, 2 घंटे करीब हो गए उसको। तो अभी यहाँ पे इसे ओके करते हैं और नीचे हमें अपना टाइम चेंज करना है। ठीक है, अभी 10:04 हो रहा है। तो हमें क्या करना था, 7:28 का मेरा मैसेज था। ठीक है, तो मैं 7:30 कर देता हूँ। 7:30 फ्रेंड, 7:30 सेट कर दिया। ठीक है, तो 7:30 मेरा टाइम सेट हो गया, क्योंकि मेरा 7:28 का मैसेज था। तो यानी कि 1 घंटे के अंदर अंदर का टाइम सेट कर दिया है और ये डिलीट हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से इस प्रकार से सेटिंग चेंज करने के बाद आप इसे मिनिमाइज कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप पे दिखाता हूँ मैं कि अपने 7:28 वाले मैसेज को कैसे डिलीट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए 7:30 का टाइम अपना सेट कर दिया। तो फ्रेंड मैं अभी बताता हूँ कि मेरा जो ये रिकॉर्डिंग चल रही है, ये नेट से चल रही है, मोबाइल के नेट से। तो मैं अभी यहाँ की रिकॉर्डिंग, अब मैं डायरेक्ट आपको रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप की। तो क्योंकि मुझे अभी नेट बंद करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड, मैं आपको डायरेक्ट रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं रिकॉर्डिंग पर। तो फ्रेंड मैं अभी आपको डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने लैपटॉप पे उस मोबाइल को लगा के नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैंने नेट बंद कर रखा है। ठीक है, और मेरा लैपटॉप उसी नेट से चल रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए 7:28 हो रहे हैं इस वक्त। ठीक है, और ऊपर देखिए 7:31 जो मैंने टाइम सेट किया था 7:30, इस वक्त 7:32 हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार अभी 2 मिनट 2 4 मिनट हो रहे हैं फ्रेंड। ठीक है, तो मैं हम इसे डिलीट कर सकते हैं। देखा फ्रेंड, तो यहाँ पे इस तरीके से इसकी टाइमिंग की सेटिंग चेंज हो गई है पूरी पूरी। अब आप इसे चेंज कर सकते हैं, टुडे 7:28 7:30। ठीक है फ्रेंड, तो जैसे मैं गुड मॉर्निंग पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और ऊपर देखिए जैसे ही आप डिलीट बॉक्स पे जाएंगे तो देखिए तीनों ऑप्शन आने लगे फ्रेंड। ठीक है, अब यहाँ से मैं डिलीट फॉर एवरीवन पे क्लिक कर सकता हूँ। देखिए वो मैसेज मेरा चला गया। तो ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से आप व्हाट्सएप को बाईपास करके और इस तरीके से कोई भी मैसेज डिलीट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए 7:32 अभी हो रहे हैं मेरे, और ये सारी की सारी सेटिंग यहाँ पे चेंज हो गई है, सबके टाइम चेंजेस हो गए हैं। ठीक है, ये मैसेज मैंने आपको डिलीट करके दिखा दिया। तो ठीक है फ्रेंड, चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। अब आपने जो सेटिंग वगैरह जो चेंज की थी, आपको उसे अपने फिर से चेंज करना पड़ेगा। दीजिए एडिशनल सेटिंग में जाके, एडिशनल सेटिंग में जाइए आप, और डेट एंड टाइम पे जैसे ही ऊपर जाइए। ठीक है फ्रेंड, जाने के बाद जो ये ऑटोमेटिक था इसे ऑन कर दीजिए। ओके फ्रेंड, अब ये ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है, डाटा वगैरह सब ऑन कर दीजिए अपना, जो भी मोबाइल का है। ठीक है फ्रेंड, ये सब कुछ ऑन कर दीजिए, और अब वापस चलते हैं अपने व्हाट्सएप पे। ठीक है फ्रेंड, तो ये मेरा व्हाट्सएप है। ठीक है, यही मेरा फ्रेंड था, और ये जो मैंने मैसेज डिलीट किया था, ये डिलीट दिस मैसेज। ओके फ्रेंड्स, बिल्कुल कन्फर्म है आपका। देखिए 7:28 का मैसेज था, डिलीट हो चुका है 7:28 का मैसेज, और अभी टाइम हो रहा है 10:07। ठीक है, यानी कि करीब 2.5 घंटे के आसपास हो गए। तो फ्रेंड, आप 1 घंटे 8 मिनट 16 सेकंड के बाद भी आप किसी भी मैसेज, इमेज और वीडियोस को डिलीट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के अपडेट की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है फ्रेंड, फ्रेंड मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको? आपने बाईपास करना सीख गया व्हाट्सएप को, और आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है कि मेरे 1 घंटे हो गए 2 घंटे हो गए 3 घंटे, कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। व्हाट्सएप पे किसी अपडेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कभी भी मैसेज, ईमेल या वीडियो को डिलीट कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे इस चैनल को, वीडियो के नीचे जो लिंक है उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बटन दबाइए, और वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह बने रहिए, क्योंकि मैं अभी लेटेस्ट अपडेट लेके आने वाला हूँ कि व्हाट्सएप जो नंबरों को बैन कर रहा है, अकाउंट को
क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप बहुत से नंबरों को बैन कर रहा है, वो नंबर बैन हो रहे हैं जो बहुत ज्यादा मैसेज करते हैं या जिनको बहुत ज्यादा लोगों ने ब्लॉक कर रखा है या उनके खिलाफ रिपोर्ट कर रखी है, तो वो अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं। तो फ्रेंड इस प्रकार का कोई काम मत कीजिए, बट बाई मिस्टेक अगर आपसे ऐसा कुछ हो गया है तो आप कैसे अनब्लॉक कर सकते हैं उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो ठीक है फ्रेंड, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ इसी तरह बने रहिए फ्रेंड। ओके बाय, थैंक यू।